हेलो जी नमस्कार, मैं उषा भरपाल सिंह सोखी और हमारे यहाँ इस वक्त मेरे स्टूडियो में धनश्री है और मेरी लर्निंग की प्रोसेस शुरू है जिससे आप भी बहुत बेहतरीन चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोबायोटिक चीज़ें बता रहे हैं जो मेरी नई लर्निंग है और लर्निंग यहाँ से आ रही है। और हम क्या बना रहे हैं धनश्री, आज बताइए सबको। आज हम बीट कवास बना रहे हैं जो कि बीट रूट से बनता है और इसमें मतलब बीट रूट को ही फर्मेंट करना है हमको। अच्छा। बीट रूट और वाटर एंड सॉल्ट, अगर आप खाने के साथ उसको सिर्फ 50 ml के शॉट में भी अगर लेते हैं तो आपको डाइजेशन आपका अच्छा खासा इम्प्रूव करता है और ये माइक्रो सर्कुलेशन में भी काफी हेल्प करता है। तो मतलब इन जनरल आपको जो काफी से जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में तो सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने के कारण होते हैं। इट्स लाइक ए ब्लड क्लींजर। अच्छा। और ब्लड साफ भी करता है, नए ब्लड भी बनाने में हेल्प करता है और सर्कुलेशन, दिस इज हाउ इट इंप्रूव्स। तो बहुत बढ़िया। तो बीटरूट कवास, कवास, कवास बोलते हैं, कवास। ओके, तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए हमको बीटरूट कट करेंगे, हम उसको पील नहीं करेंगे। पील नहीं करना है क्योंकि हमको जो भी हम सरफेस यूज कर रहे हैं, सरफेस में जितने भी बैक्टीरिया हमको वो यूटिलाइज करना है। अच्छा। विल ट्राई नॉट टू पील द सरफेस। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा मिट्टी है तो उसको आप ब्रश करके इसको धो लीजिए अच्छे से, अच्छे से, ताकि मिट्टी जो यहाँ लगी है या यहाँ रूट पे लगी है वो निकल जाए। तो ये हमने अच्छे से धो लिया, कितने ले रहे हैं? दो लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है इसको? इसको चॉप, मतलब चॉप करेंगे या फिर बड़े क्यूब भी रख सकते हैं। अच्छा, फाइनली चॉप नहीं करना है। अच्छा, फाइनली चॉप नहीं करना। हाँ। तो आप बताइए मेरे को, ऐसे काट रहा हूँ मैं तो ये इतने बड़े बड़े क्यूब काटू? ऐसे चलेगा? ओके, चलिए। इसमें बहुत लोग एक्चुअली शुगर भी डालते हैं, मतलब टू, मतलब आपको अगर बहुत फास्ट करना है प्रोसेस, अगर आपको जल्दी चाहिए कबास, तो आप अगर हल्का शुगर एक दो चम्मच डाल के आप उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं। अच्छा। मतलब जैसे सॉल्ट होता है, सॉल्ट अगर आप ज्यादा डालते हैं तो आप सप्रेस कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। अच्छा। शुगर डालते तो एनहांस कर रहे होते हैं। ओह ओके। तो अब ये कट गया, अब क्या करना है? अब हम इसको जार में डालेंगे। अच्छा, ये 1 लीटर वाला जार मैंने लिया है, ये डाल दूं इसमें? अच्छा, ये लीजिए। अब हम इसमें एक्चुअली कोई शुगर नहीं डाल रहे हैं, तो हम इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 5% सॉल्ट डालेंगे। अच्छा, ठीक है। तो सॉल्ट कौन सा? नॉर्मल सॉल्ट डालना है? पिंक सॉल्ट डालना है, आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेना है। अच्छा, आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेना, पिंक सॉल्ट में बहुत बार कोई स्ट्रेन ग्रो नहीं होते हैं। अच्छा, तो हमको वो पिंक सॉल्ट लगेगा। ओके, तो हम इसमें सॉल्ट लेंगे, पिंक सॉल्ट, और जिंजर भी डालना है? जिंजर भी इसको चॉप, एक चॉप कर दीजिए। एक चॉप कर दूं? ये इतना सा टुकड़ा, 1 इंच टुकड़ा चॉप कर लेते हैं। चलिए, ये मतलब ऑप्शनल है, किसी को जिंजर फ्लेवर नहीं है पसंद हो तो वो ना भी डालें। हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब बट जिंजर मेक्स एवरीथिंग गुड ऐसा मुझे लगता है। हाँ। तो मतलब वो और नहीं, एक्चुअली मैं अपनी कुकिंग के हिसाब से बताता हूँ। तो जब शुरुआत में मैंने कुकिंग की थी तो ज़्यादातर शेफ लोगों ने हमें यही सिखाया कि पैन पकड़ो, तेल डालो, जीरा डालो, नेक्स्ट स्टेप गार्लिक डालो, और उसके बाद मैं हमेशा से नोट करते आया हूँ कि आदमी खा के निकलता है ना, एकदम बर्फ करता है, पेट फुला फुला लगता है, हेवीनेस रहती है। अच्छा, जिस दिन से मैंने वो गार्लिक अवॉइड किया और जिंजर यूज़ करना शुरू किया, मैंने देखा ना हेवीनेस रहती है ना कुछ रहता है। इट इज़ लाइक यू कैन डाइजेस्ट इंडियन फूड ईजिली, सो दिस चेंज आई हैव सीन इन माई कुकिंग। तो पिंक सॉल्ट इसमें डाल लेते हैं और अदरक ये डाल दूँ? तो ये जिंजर हमने डाल दिया। ठीक है, अब जिंजर जैसा आप भी बता रहे हैं कि भाई जिंजर सेहत के लिए अच्छा है, गैस फॉर्म नहीं होती है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए वो हर्ब मतलब हमेशा आपके डाइट में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मतलब वो आपको काम डाउन करेगा सिस्टम को हमेशा। वेरी गुड। तो अब इसमें क्या करना है? अभी हम लोग इसमें सॉल्ट, अच्छा, इसमें भी डायरेक्टली डाल के फिर पानी ऐड कर सकते हैं। 50 ग्राम सॉल्ट डालेंगे। कितना बताइए? 50 ग्राम तो काफी होता है, मतलब लोग घबराए गए होंगे। एक्चुअली कुछ दिन के आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें वो है सॉल्ट। अच्छा, एक मिनट, मैंने अप्रोक्सीमेटली भी डाल सकते हैं। मैंने 3 चम्मच डाले हैं तो मैं अभी मेजर करके डालूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं 3 चम्मच के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 चम्मच 8 ग्राम का है। ठीक है, सो 24 ग्राम डाल गया, ये 32, ठीक है, 40 और ये ऑलमोस्ट 50 हो गया। ठीक है, तो ये लगभग 50 ग्राम सॉल्ट। बहुत लोग, मैं कह रहा हूँ, सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि हाय मेरा डायबिटीज़, हाय मेरा ब्लड प्रेशर। अब
आई डोंट नो सॉल्ट खत्म हो जाता है ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो मैं काम कर रहा हूँ धनश्री के साथ, हमने इतना नमक डाल के कैबेज का सॉल्ट बनाया, किमची बनाया, एंड बिलीव मी दो दो किलो के जार मैंने एक महीने में ख़त्म किए हैं, और मेरा घट एकदम क्लीन होता था, बहुत मज़ा आता था मुझे खाने में, एकदम सुपर। अब क्या करना बताइए, अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालना है, पूरा डाल दूं? हाँ, उसको यहाँ तक भरना है, पूरा एकदम नेक तक। वाह, छोड़ दूं? हाँ, बस ये लीजिए, वाह क्या बात है। अब क्या करना है, एक्चुअली थोड़ा जनरली अगर इनिशियल जब बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ा डर लगता है इसको लेके फर्मेंटेशन को, अगर आपको डर लग रहा है ऐसे केस में आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पानी का पीएच बदल रहे हैं, क्योंकि जनरली जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब 5 पीएच के नीचे बनना शुरू होते हैं, तो हम लोग को वैसे भी वो अगर पावरफुल पर बन जाए, सॉल्ट भी है सफिशियंट, तो वो ये अगर पीएच अगर बदल जाए तो उसमें मतलब बैड बैक्टीरिया से फिर मोल्ड ग्रो नहीं हो पाता, मतलब हम उसको 3-4 के बीच में अगर पीएच ला लिया हमने इस पानी का तो अपने आप ही वो मतलब स्टेबल हो जाता है, मतलब आपको मतलब कुछ भी गलत नहीं हो सकता उसमें, अगर आप उसको 2-3 दिन नहीं भी देखेंगे तब भी कुछ गलत नहीं होगा, बट द ओनली थिंग इज आपको उसको बीच बीच में जार को उसे हमेशा की तरह बर्फ करते रहना पड़ेगा, बर्फ का मतलब ढक्कन खोलना, ढक्कन खोलना वापस लगा देना। ठीक है, तो अब इसमें क्या करूं? हाँ, तो इसमें अभी हम ये एप्पल साइडर विनेगर है मेरे पास, 4 टीस्पून डाल देंगे, डाल दूं? हाँ, ये लीजिए 1-2-3-4 ये लीजिए, ठीक है। और ये वाली बोतल सुबह उठ के आप पीते होंगे शायद, है ना? पर ये मोस्टली हम लोग जब डालते हैं तो ये रॉ होना चाहिए, ना कि मतलब पाश्चराइज्ड, क्योंकि उसमें कैसा था कि इसमें जो बैक्टीरिया ईस्ट होते हैं वो भी हमारे फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, तो इसको बंद कर दूं? हाँ, हम बंद करके साइड में रख देंगे, बस उसको डेली आप एक बार उसको बर्फ करें और देखते रहें, मतलब जब तक वो हल्का सा मतलब उसमें पूरा बीटरूट का फ्लेवर आ जाता है और उसको खट्टा हो जाता है वो मतलब प्रॉपर। अच्छा, तो इसका फ्लेवर कैसा होना चाहिए? सॉल्टी लगना चाहिए? सॉल्टी नहीं लगना चाहिए, सॉल्टी नहीं लगना चाहिए, मतलब सब बीट का फ्लेवर वो हल्का सा खट्टा लगे। अच्छा, तो ये इसमें जो बीट बचेगा तो ये तो 3-4 दिन में रेडी हो गए? हाँ, मतलब फिर भी 3-4 दिन लगते हैं। क्या? तो 4 दिन में रेडी होगा, आपने ढक्कन हर रोज खोलना है, ठीक है, फिर बंद कर देना है, फिर खोलना है, बंद करना, एवरी डे इन द मॉर्निंग यू कैन डू दैट। उसके बाद खाना खाते वक्त ये एक एक चम्मच या एक एक 50 ml का पी लीजिएगा, कुछ नहीं होता, नमक से मत घबराइए, इसमें जो नमक वो मैं नमक शमक करता हूँ इसलिए नमक इसमें डाला, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, नमक शमक करते हुए नमक डालिएगा, बिल्कुल आराम से ये बनाइए, खाइए। अच्छा, इसमें जो बीट बचा है उसका भी टेंशन हो गया लोगों को, ये तो आप नॉर्मल खा सकते हैं। हाँ भाई, देखो फिर बात सोने पे सुहागा हो गया, पानी नहीं पीना है यहाँ पे, बीट भी खा सकते हैं। अच्छा, ये तो सोने पे सुहागा, देखो फायदा दोनों, मतलब लैक्टो फर्मेंटेशन टाइप ही है, कवास नाम दिया है, लोग सिर्फ ड्रिंक पीते हैं, कवास मतलब सिर्फ ड्रिंक पिया जाता है। अच्छा, पर अगर हम इसको लैक्टो फर्मेंटेशन कंसिडर करें तो उसको आप बीट भी खा सकते हैं। वाह क्या बात है भाई, ये बेस्ट चीज तैयार हो गई है। देखिए, अब को 4 दिन रखें, उसके बाद छोटे छोटे शॉट्स पीते रहें और लाइफ को सेट रखिए, अपने गट को सेट रखिए, बिल्कुल सही रहेगी लाइफ। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, कहीं पे भी घबराहट होती है कि हम जो बता रहे हैं आपके सिस्टम में फिट नहीं बैठ रही, मत इस्तेमाल करिएगा, आप रेगुलरली जो करते हैं करते रहिएगा, बट जिनको फ़ायदा होता है अच्छा लगता है प्लीज़ ट्राई करें, दीज आर वेरी गुड थिंग्स इन लाइफ। और जो छोटी छोटी बारीकियां बताइए वो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आयोडाइज सॉल्ट नहीं यूज़ करना, पिंक सॉल्ट ही यूज़ करना है, एप्पल साइडर विनेगर रॉ वाला वो यूज़ करना है इसमें, ठीक है, बीट के छिलके नहीं उतारने, अच्छे से धोना है, जिंजर के भी छिलके नहीं उतारने, अच्छे से धोना है, मिट्टी निकाल देनी और ये सब डालना है, क्योंकि एक रीजनिंग बड़ी अच्छी है कि छिलके पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया रहते हैं और प्रोबायोटिक इज़ ऑल अबाउट इंक्रीजिंग बैक्टीरियल काउंट, गुड बैक्टीरियल काउंट, राइट। सो ऐसे ही बढ़िया चीज़ें और मिलेंगी आपको, सिंपल है, रोजाना की लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं।